अभी तक मुझे ये तो पता चल गया है कि बड़ी सारी चीजें हैं फेस के अंदर जिससे लोग इनसिक्योर होते हैं, लेकिन नोज एक ऐसा पार्ट है जो उतना बड़ा कोई मेजर रोल प्ले भी नहीं करता, लेकिन तब भी लोग इसे लेकर इतने ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं। इनको ये भी पता नहीं होता कि अगर उनकी नोज जो है वो हुक्ड तक है वो तब भी बेटर दिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नोज है वो लड़कियों में ज्यादा मैटर करती है। अगर उनकी नोज जो है हुक्ड है या बहुत बड़ी है तो वो अच्छी नहीं दिखते, लेकिन मेल्स में ये उतना नहीं होता है। अगर तुम्हारी नोज थोड़ी बड़ी भी है तो तुम भी बेटर दिख सकते हो, तो बस अपने आई एरिया और जॉ एरिया पे काम करना है। लेकिन अगर लोग इतने ज्यादा इनसिक्योर है तो क्यों ना मैं तुम्हें एक मेथड बता ही दूं, एक नहीं कई मेथड बता दूं जिससे तुम अपनी नोज को बेटर शेप में ला सकते हो और अपनी इस इनसिक्योरिटी को फिक्स कर सकते हो। बाय द वे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल दूं, मेरा नाम रितेश है, मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहता हूं। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस देखना पसंद है आप सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरा डिस्कॉर्ड नीचे ज्वाइन कर सकते हो। 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। जो फर्स्ट आता है वो है नोज फेशियल एक्सरसाइजेस। इन चीज़ों को कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बड़े सारे लोग हैं जिनको ये करने से रिजल्ट मिला है। अगर आपको लगता है कि आपको एक ट्राई देनी चाहिए तो आप इन सारी एक्सरसाइजेस को कर सकते हो, या आपकी नोज की स्लिमिंग में मदद कर सकती है। और बड़े सारे आइटम शॉप्स भी होते हैं जो कि ऐसी चीज़ें सेल करते हैं जो तुम्हारी नोज को छोटा बनाए। तो देखो, तुम एक्सरसाइज ही करो, इन सारी चीज़ों में अपने पैसे बर्बाद ना करो, क्योंकि कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं बता रही कि ये काम करते हैं या नहीं। तो इसे खरीद के अपने पैसे बर्बाद मत करो। उसके बाद जो मैं कहूँगा, अपनी नोज़ को अच्छे से वॉश भी करो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है तुम्हारी नोज़ में बहुत बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। तो एक स्क्रब यूज़ करो, अपनी नोज़ को अच्छे से वॉश करो और हमेशा हाइड्रेटेड रहो। जब तुम हाइड्रेटेड नहीं रहते तुम्हारी नोज़ जो है वो ओवर ब्लोटेड दिखती है। अगर तुम ठीक से पानी पीते रहोगे तुम्हारी नोज़ जो नॉर्मली दिखती है वो ऐसे छोटी लगेगी। अगर तुम ठीक से पानी पीते हो, पानी अगर कंसिस्टेंटली पियोगे नोज हमेशा छोटी ही लगेगी। जब तुम बिना सनस्क्रीन के बाहर जाते हो जो सन होता है वो तुम्हारी नोज पे एक गंदा टैन छोड़ देता है। कभी कभार मान लो तुमने मास्क पहना है, मान लो तुमने एक स्की मास्क पहना है, लेकिन कहीं ऐसे भी तुम्हारी अगर नोज एक्सपोज हो रही है तो इसके आसपास जो है झुर्रियाँ पड़ सकती है और इससे तुम्हारी नोज और बेकार दिख सकती है। इस चीज़ से मैं भी सफर किया हूँ पिछले टाइम में, लेकिन मैंने इसे फिक्स कर दिया क्योंकि मैंने सनस्क्रीन यूज करना स्टार्ट कर दी। बड़े केसेस में क्या होता है ना, नोज़ की हड्डी बड़ी नहीं होती। मोस्ट प्रॉबली आपके अभी नाक टूटी है नहीं, तो इस चीज़ की आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस चीज़ की परवाह करने की जरूरत है वो है अभी भी आपको अपनी नोज़ ब्लोटेड नहीं रखनी। अगर आप एक्सरसाइज भी करते हो उससे भी आपकी नोज़ छोटी लगेगी, कार्डियो करते हो उससे भी इसकी जो ब्लोटेडनेस है वो और कम होगी। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कार्डियो भी करो। उसके बाद वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स है करेक्ट ब्रीदिंग। अगर आपको ब्रीदिंग में दिक्कत होती है, आपको नोज़ से नहीं करना होता, आपको मुँह से ही करने में अच्छा लगता है, या फिर आपकी एक नाक बंद है और आप ठीक से नोज़ ब्रीद नहीं कर पा रहे, किसी डॉक्टर को दिखाओ। क्योंकि जो ब्रीदिंग है वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स है आपकी लुक्स मैक्सिंग में। अगर आप ब्रीद अच्छे से नहीं कर पा रहे, आपकी नोज़ में कोई प्रॉब्लम है, इसे जाके दिखाओ। यूट्यूब पे सर्च मत करो, सीधा डॉक्टर से कंसल्टेशन लो, बिकॉज योर नोज़ इज़ योर लाइफ। नोज से ब्रीथ करोगे तो आपकी जॉ और आपका फेस ओवरऑल बेटर होगा तब भी। लेकिन अगर आप नोज से ब्रीथ नहीं कर पा रहे, माउथ से करना पड़ रहा है, एक डॉक्टर को दिखाओ। आ जाता है गुड पॉस्चर। जब तुम बेकार पॉस्चर रख के बैठे होते हो या खड़े होते हो तुम्हारी नोज और बड़ी दिखती है। आज हर पॉइंट में कभी होने नहीं देना कि तुम्हारी नोज जो है वो ज्यादा बड़ी दिखे। इसलिए पॉस्चर हमेशा परफेक्ट रखो। ये कुछ एक्सरसाइजेस तुम ट्राई कर सकते हो जिस तुम्हारी बॉडी का पॉस्चर और परफेक्ट हो और तुम्हारी नोज बड़ी ना दिखे। आता है प्रॉपर स्लीप। जब तुम सो रहे हो तुम्हारा जो पिल्लो है उस पर तुम्हारा हेड जो है स्लाइटली एलिवेटेड होना चाहिए। बड़े सारे लोग बिना पिल्लो के भी सोते हैं आजकल, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। एक पिल्लो रखो क्योंकि इससे क्या होता है तुम्हारी नोज जो है वो एक अलग शेप ले सकती है। बात आता है ग्रूमिंग आईब्रोज। अगर तुम अपने आईब्रोज को अच्छे से ग्रूम करोगे, एक ऐसे वे में ग्रूम करोगे तुम्हारी नोज छोटी लगेगी, वो भी एक अच्छा सॉफ्ट मैक्स हो सकता है तुम्हारी नोज को स्लिम दिखाने का। यू नो, इन सारी टिप्स में क्या है, ये सारी टिप्स जो है बस तुम्हारी हेल्प करने वाली है तुम्हारी नोज को छोटा दिखाने में, क्योंकि तुम्हारी बोन जो है वो चेंज नहीं हो सकती। कोई भी बंदा अगर दावा कर रहा है कि ये नोज कटर बाय कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, ये नोज छोटी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम बस कुछ चीजें कर सकते हो सॉफ्ट मैक्स के तौर पर जिससे तुम्हारी नोज छोटी दिखे। वन ऑफ द सॉफ्ट मैक्स है कि एक ऐसा हेयर कट लो जो कि सर पे ज्यादा वॉल्यूम ऐड करे ताकि तुम्हारी नोज और छोटी लगे। बस थोड़े बाल ज्यादा रखने हैं और तुम्हें और चिंता नहीं करनी। लास्ट टिप जो मैं दूंगा जिससे तुम्हारी नोज पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बोन के साथ एकदम बदल सकती है, वो है पैसे जमा करना और एक नोज जॉब कर लेना। ऑल फॉर टुडेज वीडियो।